कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। ये कहावत जींद के 14 वर्षीय यश मलिक ने सच साबित कर दिखाई है। दरअसल जींद जिले के गांव शामलो कला निवासी यश मलिक ने सैनिक स्कूल में 9वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए ली गई परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि 14 वर्षीय यश मलिक सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। यश मलिक ने परीक्षा में 400 में से 390 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं जींद जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी छात्र ने पूरे देश में किसी एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया हो, जिसके चलते यश मलिक को उसके गांव और स्कूल में सम्मानित किया गया। इसका अटेम्प्ट मैंने पहली बार सिक्स में दिया था, जिसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी। फिर बाद में मेरे पापा न्यूज़ का काम करते हैं, उसमें रॉयल डिफेंस एकेडमी की एक खबर आई हुई थी जिसमें कुछ लड़कों का आरएमएस में सिलेक्शन हुआ था। फिर बाद में मेरे पापा ने मुझे इस एकेडमी में भेजा। फिर इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गया था सैनिक स्कूल में, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी। फिर बाद में मैंने दोबारा हार्ड वर्क किया, फिर बाद में इस बार इस अटेम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट किया। अरे गुड। तो कितनी देर लग पढ़ाई करते थे, क्या दिनचर्या रहती थी आपकी पढ़ाई की? जो अकेडमी में जो टाइम ड्यूरेशन है, एक तो उसमें करता था, और फिर बाद में अगर रात को भी सर कह देते थे कि पढ़ना चाहिए, फिर बाद में बेड पे। तो कहाँ से जुनून पैदा हुआ आप में? इसका तो मेरा अटेम्प्ट हुआ था, और लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे। सर वैसे इसकी मेहनत को देखते हुए लगता था, क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ाई के प्रति काफ़ी जुनूनी था। मैंने इसका शुरू में एक बार सिक्स क्लास के लिए एग्ज़ाम दिलाया था, वैसे किसी टीचर ने बताया था, ये पढ़ता था गीतारी स्कूल में, बोला सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिला के देख ले। मैंने इसका वैसे प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और उसमें इसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन रैंक वगैरह आई नहीं। फिर इसका ये हो गया, मेरे को बस यही फाइनल यही करना है और मेरे को फर्स्ट आना। तो कैसे सपोर्ट करते आप, जुनून डालते थे बच्चे के अंदर में? बच्चे को यही बताया था, भाई हम गरीब फैमिली रूलर से हैं और पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को आगे लेके जा सकती है, इसके लिए हमने उसके लिए बताया था, भाई शिक्षा ही इसी के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं। तो सपना पूरा कर दिया? हाँ, अभी तक तो काफ़ी खुश हैं इसे, बाकी और आगे ये सोचे हैं भाई एनडीए करे इसी रैंक से। जहाँ एक और यश मलिक की इस उपलब्धि पर परिजनों में खुशी का माहौल है, वहीं यश के अध्यापकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा यश के साथी छात्रों ने भी उसका खूब उत्साह वर्धन किया। वहीं इस अवसर पर रॉयल डिफेंस अकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि एक शिक्षक का जीवन सही मायने में तभी सफल माना जाता है जब उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाला शिष्य उनकी मेहनत के बल पर परिवार, गुरुजन और अपने देश का नाम रोशन करे। इस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर AIR फर्स्ट है। 9th में ये इसने ऑप्शन डाल ली थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, तो इसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो इसके अनुसार इसको जो है ना उत्तराखंड मिलेगा। तो इसके लिए तो मेरा सारा डेडिकेटेड स्टाफ, मेरी फैकल्टीज़, मेरी मैनेजमेंट और आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो सब का कंट्रीब्यूशन और बच्चे का अनपैरेलल्ड हार्डवर्क। और जिस तरह आपने मैडम से, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से क्वेश्चन राइज किया कि आप कितना टाइम पढ़ाते हो, मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, क्योंकि दे वी आर द ब्रीडर्स फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल, नथिंग बियॉन्ड दैट। उसके बाद ये बच्चे हमारे को फॉलो करते हैं, लाइफ में ये आगे जाके उस पैटर्न को अडोप्ट करेंगे, ताकि वो जो कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो उस पैटर्न को अडोप्ट नहीं कर पाते, वहाँ से क्विट कर जाते हैं। कारण हार्ड वर्क मैं करना सिखाता हूँ, बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, फॉलो करते हैं हमारी, दैट्स वाई दैट्स एन टुडे इज एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट गिवन बाय द रॉयल डिफेंस अकेडमी दैट इज सिचुएटेड इन जींद इन हरियाणा, दैट इज हार्ट ऑफ हरियाणा। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे मिले, हम लोगों को उनको रिफाइंड करने का, उनको तराशने का मौका मिलेगा और हम लोग उनके मुकाम या उनके एक्सपेक्टेशन तक उनको पहुँचा पाए। आपको बता दें कि यश मलिक का सपना बड़ा आर्मी अफसर बनने का है, जिसके लिए उसने अभी से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है, जिससे बाकी बच्चों को भी उससे कड़े परिश्रम की प्रेरणा मिल रही है। हमें उम्मीद है कि यश इसी तरह आगे भी अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेगा। जींद से विजेंदर सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।